नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप मिश्रा जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी के बीच में एक कॉमन बीमारी है, शायद इससे ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं, वो बीमारी है नींद ना आना। अक्सर आप लोगों को सुनते होंगे कि उनको नींद आना बंद हो गई है। ये नींद किस तरीके से उड़ चुकी है, उस नींद उड़ने के कारण क्या हैं, क्या आपकी लाइफ स्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है, इन बातों को जानने के लिए आज हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण साहनी जी से। वो हमें बताएंगे कि आपकी नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज की डेट पे सभी की एक ही समस्या है कि उनको नींद नहीं आती है। वो बहुत से लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, दूसरे कुछ रतन करते हैं, लेकिन ये समस्या लगातार बनी रहती है। ये समस्या क्यों है और ये किस तरीके से हमारे शरीर को घातक होती बनाती जा रही है? जो जिसको हम स्लीप रिदम बोलते हैं या नींद की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी एक तरीके से उस नींद के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो हमारी बैटरी को चार्ज करती है। दिन भर हम लोग घूमते रहते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो जो 6 से 8 घंटे नींद जो हमें मिलती है, वो हमारे पूरे शरीर की एनर्जी को एक तरीके से रिचार्ज करती है। और अगर वो एनर्जी रिचार्ज नहीं होगी तो उसका इफ़ेक्ट स्लोली हमारे शरीर पे दिखाई देगा। एंड हर आदमी को, किसी को 6 घंटे से काम बनता है, बट एवरेज हम लोग जो बोलते हैं 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड बाई एवरीबडी। मतलब 6 से 8 घंटे, कहीं 5 में भी काम कर सकते हैं, कहीं 9 में भी उनको ज़रूरत होती है, बट 6 से 8 का एक एवरेज होता है जिसमें होना चाहिए। और स्लीप क्यों नहीं आती ठीक, उसमें दो हिस्से हैं जो हम लोग जब हम मेडिकली तौर पर सोचते हैं। एक तो है कि उनमें कोई मेडिकल कारण तो नहीं है जिसके वजह से नींद नहीं आ रही है, और दूसरा है जो नॉन मेडिकल है, जिसको हम लोग एक तरीके से लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज के साथ जोड़ते हैं। और लाइफस्टाइल इश्यूज में एक है जो हम बोलते हैं एक बायो रिदम होता है, बॉडी का एक रिदम है कि सुबह आप उठेंगे, फिर आप काम पर जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, रेस्ट करेंगे और सोएंगे। एक तो हम सब की जो बायो रिदम है वो पूरी चेंज हो गई है। एक तो क्योंकि बिकॉज ऑफ वर्क, बहुत लोग हैं कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, बहुत लोगों का काम इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है, और उनकी जब दिन होता है हमारे यहाँ रात होती है, तो इसलिए जो हमारी रिदम है वो चेंज हो गई है, क्योंकि हम उनकी रिदम के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमारी लाइफस्टाइल है, मतलब यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे दिन भर फ़ोन पे रहेंगे, रात भर फ़ोन पे रहेंगे, टीवी चैनल्स हैं, पहले एक आध चैनल होता था, अब हज़ारों चैनल हैं और वो 24 घंटे चैनल चल रहे होते हैं, तो तुम्हारा फेवरेट शो अगर तुमने दिन में नहीं देखा तो आप रात को जाके वो ज़रूर शो देख के सोएंगे। तो जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, हमारा सोशल अवेलेबिलिटी है, काम पे लोग अक्सर आप सुनोगे कितने बजे घर आते हो, मैं यार 8-8:30 बजे आता हूँ। अब जो 8-8:30 बजे घर पहुँचेगा, जब तक वो नहाए धोएगा, खाना खाएगा, तो उसके तो 10-11 बज जाएंगे, और सुबह फिर उसको जल्दी उठना है। तो लाइफस्टाइल, वर्क एनवायरनमेंट प्रेशर, सोशल प्रेशर्स एंड सोशल हैबिट्स जो हमारी चेंज हो गई हैं, उसके वजह से हमारा जो स्लीपिंग की साइकिल है वो साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। और उस साइकिल को वापस लाने के लिए हमें फिर स्लीपिंग पिल्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हिस्सा है जिनको हम मेडिकल कॉजेज बोलते हैं। मेडिकल कॉजेज में जो एक वेल नोन सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया सिंड्रोम का मतलब है कि जो रात को जब आप सो रहे होते हो, अक्सर पेशेंट्स आएंगे और उनकी वाइफ हमें बोलेगी रात को सोते सोते हमें लगता है कि इनका सांस रुक गया है, ऐसे हिट जल्दी से उठते हैं और फिर लंबा सांस लेते हैं और फिर वो वापस हो जाते हैं। इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। इस स्लीप एपनिया में मेनली जो हमारे सांस लेने का रास्ता है, रात के टाइम जब हम सो रहे होते हैं, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और वो ब्लॉक होने का कॉमनेस्ट कारण है ओबेसिटी। वज़न हमारा इतना ज़्यादा है और हमारी चेस्ट इतनी भरी है, हमारा पेट इतना बड़ा है कि जब रात को जब हम सोते हैं ऑलमोस्ट लगता है कि छाती पे एक हम पत्थर लेके सो रहे हैं। और जो हमारे सांस की नली है, अगर यहाँ पे पूरे शरीर में फैट है तो सांस की नली में भी फैट है। जब हम जाग रहे हैं, खड़े हैं, तो हम सांस ले रहे हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब हम रात को सोते हैं तो हमारा स्लीप का पैसेज है वो भी रुक जाता है। और ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम एक सबसे सीरियस मैटर कही जाती है, क्योंकि उससे डिग्री ऑफ हार्ट डिजीज़, डिग्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब स्लीप एपनिया के साथ जुड़े होते हैं। तो एक साइड पे लाइफस्टाइल हो गया, एक साइड पे हो गया मेडिकल इश्यूज़। इन वजह से हमारी जो स्लीप की रिदम है और स्लीप
की रिक्वायरमेंट है, नींद की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती है, और पूरी नहीं होगी तो उसका इफेक्ट आपके रोज़मर्रा काम में भी दिखाई देगी। जैसे सर आपने रिदम की बात कही, तो नींद में लाइफ का जैसे हमारी दिनचर्या है कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, रात में 10 बजे सोते हैं, तो इसका नियमित होना कितना प्रभावी है इस नींद में? क्या इसका हम रोज़ हमारा टाइम टेबल चेंज होता है तो इसका भी असर नींद पर पड़ता है? क्योंकि सोने के टाइम, जैसे मैंने कहा, जब आप नींद में हो तो हमारी बॉडी चार्ज हो रही होती है। नींद भी दो टाइप की होती है, एक होती है रेम स्लीप, रेम स्लीप होती है जो एकदम बिल्कुल डीप स्लीप में चले जाते हो, एक होता है कि जब शुरू में आप सो रहे होते हो, कोई आवाज़ हुई तो उठ जाते हो, फिर आप जाते हो एक डीप स्लीप में जिसको हम REM स्लीप बोलते हैं। वो जो REM स्लीप है वो बहुत बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। उस टाइम पे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, जैसे बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स हैं, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स हैं, मेन में टेस्टोस्टेरोन जो स्टीरॉइड्स जो हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स एक रिदम से सिक्रीट होते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे में किस टाइम पे क्या ज़रूरत होती है वो सिक्रीट होता है। अगर हमारी रोज़ की रिदम अलग होगी, आज 6 घंटे, कल 8 घंटे, आज 8 बजे, कल 12 बजे, अगले दिन सुबह 4 बजे सो रहे हो, उस रिदम में जो बॉडी की एक क्लॉक होती है, जो अपनी इंटरनल क्लॉक होती है, वो फिर काम नहीं कर पाती, और वो अगर क्लॉक काम नहीं कर पाएगी तो हार्मोन्स सिक्रीट नहीं होंगे, एक्टिविटी सही नहीं होगी। वो अगर आप सेम रूटीन रोज़ करते रहेंगे तो बॉडी फिर अडाप्ट कर जाएगा। मान लिया ठीक है, आप रात को 4 बजे रोज़ सो रहे हैं, ठीक है, बॉडी विल अडाप्ट टू इट, बट आज 4 बजे, कल 12 बजे, अगले तीसरे दिन 8 बजे, तो जो बॉडी का जब तक बायोलॉजिकल क्लॉक उसको रेगुलराइज करता है तब तक आपने रिदम फिर बदल दी है। तो इसलिए उस सिचुएशन में मतलब बॉडी को रिकवरी करने के लिए उसके जो हार्मोन्स हैं, जो सिक्रीशंस हैं, वो फिर टाइम पर रिलीज नहीं होती हैं, और इसलिए आदमी इरिटेबल हो जाता है, वेट पुट ऑन कर लेता है क्योंकि स्लीप नहीं कर रहा टाइम पे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें नींद ना पूरी होने के कारण भी हो सकती हैं। सर आज के समय में जो गैजेट्स हैं, खासकर मोबाइल, हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। सोते जागते हर वक्त मोबाइल हमारे हाथ में होता है, सोने से पहले हम मैसेज चेक करते हैं और जागने में सबसे पहले हम मैसेज देखते हैं, तो ये नींद से पहले मोबाइल या गैजेट्स का इस्तेमाल और नींद के बाद, सुबह जगने के बाद मोबाइल और गैजेट्स का इस्तेमाल हमें किस तरीके से हानि पहुंचाता है? एक तो ये सारे गैजेट्स पे डिबेट हो रहा है कि उनकी जो रेडिएशंस हैं वो हमारे को डिस्ट्रॉय करती हैं, हमारे ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है, हियरिंग ऑर्गन्स के लिए अच्छी नहीं है, बट वो एक इंटरनेशनल डिबेट है जिस पर अभी कोई मतलब डिस्टिंक्ट डिसीजन नहीं हुआ। अगर इतनी हानिकारक है तो पूरी दुनिया क्यों इस्तेमाल कर रही है? बट डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप अपना मोबाइल को या कोई भी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट को आप अपने साथ में रखोगे, वो एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर आप, जैसे मैंने बोला, शुरू की स्लीप है, आप उस नींद में जा रहे हो और एक मैसेज आएगा, टिक करके एक आपको मैसेज आएगा, आपकी फिर जो है अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, तो उस डाइवर्जन से अगेन आपकी जो रेगुलर स्लीप है वो नहीं होगी। सुबह भी आप जागोगे, नॉर्मली जाके आदमी क्या करना चाहता है, बाहर जाएगा, थोड़ा फ्रेश एयर लेगा, अब वो पहले बैठ जाएगा अपने मोबाइल पे लेके कि क्या रात भर जैसे कोई बहुत घनाश्याम चेंज हो गया कि बस मैं अगर अभी फ़ोन नहीं देखूंगा तो पूरा मतलब मेरी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। तो जो डिपेंडेंस हो गई है उससे जो नॉर्मल चीज़ों पे काम आदमी को फोकस करना चाहिए था, उस नॉर्मल से हम हट चुके हैं, इसलिए ये डेफिनेटली हानिकारक है क्योंकि हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं। इवन काम पे भी जाओगे तो आप देखोगे कंटिन्यूसली, नॉट ओनली ड्यूरिंग स्लीप, काम पे भी जो भी आदमी काम कर रहा है कंप्यूटर फिर 2 सेकंड में फ़ोन उठाएगा। सो द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो सेल फोन्स या मैसेजिंग ऐप्स या सोशल मीडिया कर रहा है, वो हमारे काम में, हमारी रेस्ट में, हमारी स्लीप में, सब में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। सो उनको यूज़ करो, एक इंस्ट्रूमेंट है, बट उस वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम उनके कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। सोने से पहले हमारा क्या रूटीन हो या जागने के बाद कि हमें एक बेहतर नींद आए, और जागने के बाद कि हमारा दिन अच्छा जाए, कि कई बार होता है जागने के बाद कि हम टायर्ड फील करते हैं पूरे दिन, सोने से पहले होता है कि हमें नींद काफ़ी दें, तो उसके पहले कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे बॉडी रिलैक्स हो और हमारा रात भी अच्छी गुजरे और हमारा दिन भी काफ़ी सुकून से? आई थिंक जो हम लोग पहले कहते थे कि आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, मतलब खाने के बाद एक मील आप चलो, और आप अभी भी देखेंगे बहुत कॉलोनीज में रात को खाने के बाद लोग सैर के लिए निकलते हैं, वो एक साइंटिफिक तरीका भी है
क्योंकि जो खाना आपने खाया है इमिडिएटली खाने के बाद अगर आप कुर्सी पर बैठ के टीवी देख रहे होंगे या एकदम लेट जाएंगे तो वो खाना मुंह की तरफ चढ़ेगा। इसलिए खाने के बाद में अपने बॉडी मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एक घंटा खाने के बाद तक आपको लेटना नहीं चाहिए, तो जो स्लीप का टाइम है एक घंटा आप निकालिए, उसमें अगर आप कुछ फॉर्म ऑफ यू नो कैजुअल वॉक कुछ कर सकें तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। नॉट ओनली खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। और अगर वो एक रूटीन आप बना लो कि मैंने खाने के बाद थोड़ी सैर करूँगा, थोड़ी देर में रिलैक्स करूँगा, फिर आप नींद करोगे तो आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। कई लोग जैसे एडवाइस करते हैं कि सोने से पहले थोड़ा दूध ले लिया ना, वो एक इंडिविजुअल हैबिट है कि इसको खान ये मैं पीता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है, तो वो चीज़ें कोई जो इंडिविजुअल किसी को सूट करती हों, बट एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। मतलब ब्राइट लाइट्स हैं, डल लाइट बना लो जो आप आधा घंटा बैठे हो, कुछ पढ़ लो। पर हम लोग 90% क्या हो रहा है कि टीवी देख रहे हैं, और टीवी में भी जो शोज़ होते हैं चलने के लिए वो हमारे दिमाग को इतनी तेज़ घुमाते हैं, या तो कोई सोशल इशू होगा या कोई क्रिमिनल इशू होगा या कुछ होगा। मतलब हमारे सोने से पहले जो हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए और हमारी थॉट्स अच्छी होनी चाहिए वो ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब्ड हो चुकी हैं क्योंकि हम तो टीवी देख रहे होते हैं। तो इसलिए वो रूटीन मतलब आधा घंटा पहले टीवी बंद कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ो, यू नो ये कोई किताब पढ़ लीजिएगा, डिम लाइटिंग रखिएगा, ताकि एक माहौल बन जाता है जिसमें आदमी को नींद अच्छी आएगी। आपने सैर की बात कही, इस देश की बहुत बड़ी आबादी खासकर बड़े शहरों की ऐसी है कि जो फ्लैट्स में रहती है और उनके पास शायद इतनी जगह नहीं है कि वो लंबी सैर कर सके, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी सलाह क्या है कि घर में किस तरीके का वातावरण हो जिससे उनका एक एक्सरसाइज भी पूरी हो जाए और उनको बेहतर नींद भी मिल सके। योगा करने के लिए तो आपको अपने जितनी हाइट है उतनी जगह चाहिए। मतलब आप योगा मैट अगर आप देखेंगे 6-7 फुट 6.5 फुट की बाय 2.5-3 फुट उतनी जगह तो सब किसी के भी घर में मिल जाएगी। तो आपको कोई बारिश का मौसम है आप सैर के लिए नहीं जा सकते, योगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो कई बारी आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन बनाने के लिए अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ आपको परफेक्ट कभी ज़िंदगी में भगवान ने दी भी नहीं है कि आपको परफेक्ट सिचुएशन मिलेगी, परफेक्ट घर मिलेगा, परफेक्ट सैर करना पड़ेगा। बट अगर आपके माइंड में प्रायोरिटी है कि यार मुझे रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ मेरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, फ्रेश करने के लिए मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आई सेड इवन 6 फुट बाय 2.5 फुट जगह बहुत है। आप योगा के 5 आसन आधा घंटा आप आराम से कर सकते हो। सबके घरों में हॉल है, छोटा छोटा भी घर होगा हॉल के अंदर 2 आदमी बैठ के आराम से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइडियली फ्रेश एयर में सुबह सुबह आप निकल जाओ तो सबसे बेस्ट है, बट अगर ना कर पाओ, समय की तब पाबंदी है, जगह नहीं है, बारिश का मौसम है, तो फिर भी घर में भी आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। दोस्तों आपने सुना कि आपकी नींद उड़ने की खास वजह आपकी खुद की लाइफ स्टाइल है। ये भी साफ है कि प्रकृति से आप जितना करीब रहेंगे आप उतना खुश रहेंगे। बेहतर नींद चाहिए तो प्रकृति के साथ रहिए, दिमाग को शांत रखिए। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों की तरफ से, जी मीडिया की तरफ से, कि आपने बहुत सारी हमें ऐसी जानकारी दी जिससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।